feel like I'm losing my mind. Is everybody? So guys, welcome back to a new vlog. आज के व्लॉग का कंटेंट देगी मम्मी, क्योंकि मम्मी ने मेरे जबरदस्ती व्लॉग चालू करवाया। मम्मी अब बताओ क्या करना व्लॉग। तो आज मम्मी बना रही आलू के पराठे, अब खाएंगे हम काफी दिनों बाद। एक बार तो मैं ऑलरेडी खा चुका, बट फिर से आलू के पराठे और लूनी घी चटनी, छाए घी निकली हुई, और खाते इसे ऐसे हैं। खा के दिखाओ भैया। इसे ऐसे तोड़ते हैं पहले, फिर घी और चटनी ऐसे लेते हैं, ऐसे खाते हैं, ऊपर से घूट मारते हैं छाए की, और फिर वही डोले कैसे हो जाते हैं, डोले पतले। झूठ बोल रहे, बगल के बाल नहीं काट रखे मम्मी। अपने लड़के लड़के खिलाओगे, मेरे को भी खिला दो यार। भाई मम्मी ने पता है क्या पता मेरे साथ क्या करा, मैं और भैया दोनों कपड़े लेके लाए, मेरे कपड़े मम्मी ने दो दिन ना तो धोए ना प्रेस करे, सारे भैया भैया के प्रेस करके धो दिए। नून में लाए थे, क्या होता ये बता दो, दिन तक समझेगी नहीं। तेज बोलो तेज। तो मैं लुहारो का हूँ, कहने का मतलब है इतना सब मैं सुतरा छोड़ूंगा कि पूरे उसमें एक पापा जी और एक मैं। अच्छा, राव साहब के बालक हैं हम। अच्छा, आप कंफ्यूज हो गए लुहारो के भाई, याद है ना नाया भी नहीं सुबह। मस्त नशे का सामान है, खाओ और सो जाओ। भाई ये डाइट तुम दो पराठे खा के तुम पूरे 5-6 घंटे की बढ़िया नींद ले सकते हो। चलो मम्मी मेरे लिए भी ले आओ यार। ये हरियाणा की देसी डाइट। दूसरा पराठा तीसरा वाला लाके भी भैया को ही दे दिया, आप मुझे अब भी नहीं दिया। होगा इधर तो जब खिलाओगे, नहीं तो दे ये वाला मेरे को देते होगे जो टूटा हुआ है, है ना? सच बता दे मेरे लिए, सेक रहा ना मम्मी, माँ की कसम खा के बता दो। दे दे भाई ये टूट गया ना, ये मम्मी मेरे को ला के दे देगी कि ये तेरे लिए। होता मेरे साथ घर में ये टूटा वाला पराठा कि ये तेरा, और जो बढ़िया बढ़िया गोल गोल बने वो भाई के। तो छोटा हूँ तो क्या, बासी रोटी सब्जी खराब खाऊंगा। ये मुझे पता मैं कैसे रह रहा हूँ इस घर में। पापा जी चले गए, पापा जी रहते हैं तो मम्मी फिर मुझे थोड़ा बहुत ठीक खाना दे देती है। अच्छा जी, तेरे पापा खुद इसी डर का मारे जाते कि ये घी लगा रहे हो कि मेरे में डाल लगा रहे हो। मुझे आप मम्मी इतना भरोसा, आप ये भी कर सकते हो कहीं मेरे को, मेरे मम्मी डालडा से सेक देगी। सरसों का तेल मम्मी तुझे यहाँ घी खिला खिला के पंजाबी परांठा बना देगी, और परम भाई को टके टके की। गलत तो बात नहीं, ऐसे नहीं बोलते किसी को टके टके की डांट ना देगी, ऐसे नहीं बोलते। परम भाई को बोल रहा हूँ। हाँ परम भाई को नहीं बोलते ऐसे, परम भाई अपना हुआ बल्ले बल्ले आएगा यार, शहनशाहों की तरह बैठ के कमरे में खाना। जब मैं छोटा था ना मुझे इतनी डांट पड़ती थी मम्मी से टीवी देखते हुए खाना खाने के लिए, पर अब खाऊंगा मैं। और वैसे कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, डांट अब भी पड़ सकती है। जो नया नया लाड़ प्यार था ना मम्मी का, गिले लड़का 3 साल में घर आया है, वो ख़त्म हो चुका, बस 2-4 दिन ही चला है। अब मुझे दवा की गालियाँ मिल रही है घर पर, तो मज़ा आ रहा कई दिनों में सुनी वाली। कल मम्मी से लड़ाई करी जीत के, ओहो पुरानी याद ताजा हो गई, मज़ा आ गया। भाई देखो ये हो जाता है पराठे खाने के बाद ना। अब भैया कितने घंटे हो गए मम्मी सोते सोते? 3 घंटे से लगातार सो रहे, हिलने को नाम नहीं। 2 बार तो मैंने उठा लिया भैया को। भैया खड़े हो लो, चलेंगे वो ऐसे करते उठ गया और फिर सो जाएंगे। सो गए थे सुबह तो रूस गया था मैं। अब मैं 20,000 रुपये टी शर्ट दिला के लाई हूँ, जब मानो
अब देख लो मेरी मम्मी, अब हो रही सतरी तैयार। अब तो ढंग से दिखा दो, टी शर्ट दुआई मम्मी ने दिखाता फिर तो सुबह ही दिखाता जब काम कर रही होती मम्मी। क्यों मम्मी ऐसे सीधे सीधे चले करो मेरे साथ, जब भी दिखाऊंगा बढ़िया बढ़िया चीज। 20,000 चिपकवा लिए बिना मतलब मैंने अपने मैंने अपने ये दोनों माँ बेटे चालू बनकर लूट रहे हैं। लेफ्ट 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 सर हाँ जी अपने। अब कहाँ ले जा रहे हैं मम्मी? मामा साने बन रहे हैं। मामा साने बन रहे हैं तो मामा ना क्या खाना है तेरे को जो खाया तो खिलाना और पड़ेगा तो गुस्सा हो गया था ना आज। चलो गोलगप्पा खा खाएंगे आज। अच्छे पानी वाले, पानी वाले फरीदाबाद में रहता ना। और यहाँ तो चाट पकौड़े खाए बिना तो मानेगा ही नहीं। ये देख लो भाई कैनेडियन कैसे गोलगप्पे खा रहे हैं। मेरा गोलगप्पा मार गया सही है। ढूंढते घूमते ना गोलगप्पे वहाँ नहीं मिलते। अच्छा देखा हमारा इंडिया इंडिया ही है भाई। कैनेडा में गोलगप्पा यार इसकी बात चल रही है। कैनेडा में बात चल रही है ऐसा बंद कर दिया। अरे पकड़े आप भी गए हो मैं पनीर टिक्का खाते। मैं तो हफ्ते में एक बार खाते हैं रोज। हफ्ते में एक बार है रोज खुद खा लो। व्लॉग के चक्कर में अच्छे मत बनो। उम्र नहीं भरा पेट आपका पनीर टिक्के से? आपका भी अलग अलग जगह के चटवल्ले चाहिए। एक लड़का बेचारा कद गरीब सा बैठा रखा कुछ नहीं खिला रहा। बैंक में लिस्टिंग कितना टाइम लगे? मैं कैसे राजी हो रही हूँ मम्मी। भाई ये रहा मेरा, एक सेकंड रुको ना भाई, ये रहा मेरा बचपन का प्यार, दिखाऊं तुम्हें लेना भी अरे भाई से कहते स्वाद भाई। इस पर मैंने इतनी मौज काटी है ना, ट्यूशन जाना स्कूल जाना, ये मेरे को मिली थी जब मेरे 10वीं में नंबर आए थे ना तब मिली थी। और भाई क्या आवाज है, क्या भागती है, ओए होए आज भी नंबर वन। ज़्यादा पुरानी नहीं है वैसे, 2019-20 की है शायद, 2020 की है, बट टू सेक्सी। एंड हु दिस निगा भाई, ये होता है, ये यही होता है मेरे। कहाँ जा रहे हो? ये होता मेरी नमन भैया के, करण भैया की चलाने के लिए लड़ाई होती रहती है। नमन भैया नीचे आए 2 सेकंड का, चल साइडों में लेके जा रहा हूँ, पता नहीं कहाँ गए लेके। पहले मैं जब आया जब मैंने ऐसा कर दिया सेम चीज़, पहले मैं चला रहा था भाई, आते भैया ने मेरे को उतार दिया कर पीछे बैठ, और नमन भैया ने आते ही तो करण भैया को पीछे भी नहीं बैठाया। मेरी तो बात छोड़ो, कोई नहीं ठीक है। तो जी फिर आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अब घर आके नहा धो लिया अपने बढ़िया, और जो अपने ये इंडिया वाले जितने भी जनता है ना, उन्हें लग रहा होगा कि बहुत ही सिंपल सा ऐसा घर वाला ब्लॉग है, इसमें ऐसा मिस करने वाले क्या है। बट जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो बाहर रहते हैं बहुत बहुत टाइम तक घर से, सिर्फ वही रिलेट कर पाएंगे कि यही चीज़ें होती हैं जो कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट सबसे ज़्यादा मिस करता है। घर का खाना, घर वाले, कुछ यार दोस्त जो रहते हैं,
बाकी तो सारी चीजें हैं कनाडा में, आवारागर्दी, मौज मस्ती, वहाँ के भी यार दोस्त हैं, पर जो कुछ स्कूल के अपने बिल्कुल जिगरी यार दोस्त होते हैं वो, और आलू के पराठे जैसे आज तुमने देखा होगा, तो भाई मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ मम्मी पापा हो गए, यही सारी चीज़ें होती हैं जो सबसे कीमती रहती हैं ना, जो सबसे ज़्यादा जिनकी यादें आती है बाहर। और इसीलिए एक इंटरनेशनल स्टूडेंट बार बार इंडिया आने के लिए वो करता है कि चलो इंडिया चलते हैं, इंडिया चलते हैं, इंडिया जाने के लिए पैसे बचाता है, सब जो भी करता है। तो यही था आज के व्लॉग में, और आज के व्लॉग मेरे को भाई बहुत मज़ा आया। आज के दिन मम्मी घर पर रहा, बढ़िया खाना खाया, मम्मी लूट ली, मम्मी से 20,000 रुपये की टी शर्ट खरीद लाया है ना, मज़ा आ गया। कई दिनों बाद घर वाले मम्मी के पैसों से शॉपिंग करी। तो जो भी कहो, इंडिया आना इज़ वर्थ इट। जितने भी भाई कैनेडा में भाई बंधु हैं, कोशिश करिए करो आ जाओ 2 साल में 3 साल में, जब भी तुम्हारा बजट बने। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग द व्लॉग। आ गया व्लॉग और आते रहेंगे इंडिया कैनेडा टू इंडिया व्लॉग सीरीज़ के, तो देखते रहना। टाटा, जय श्री राम।